ये जो गुगुल का पौधा है ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉमीफेरा वाइटी बोला जाता है। ये बरसेरेसी कुल का पौधा है और जो हमारे ड्रायर पार्ट्स है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात का कच्छ जो एरिया है, ये नेचुरली पाया जाता है। गुगुल का गम निकाला जाता है, गुगुल गम बोलते हैं, गुगुल गम रेजिन बोला जाता है। उसका औषधि महत्व बहुत ही सारा है और ये जो पौधा है ये बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि इसका टैपिंग जो है 7 साल के बाद किया जाता है। टैपिंग के बाद गम निकलता है और टैपिंग अगर सस्टेनेबल नहीं करते है तो पौधा मर जाते है। इसलिए ये पौधे जो है अभी रेयर हो चुके हैं और गुगुल जो है रियल न मिलने के कारण उसमें सब्स्टिट्यूट अडल्ट्रंट दूसरे गम किए जाते हैं। और ये जो औषधि गुगुल है, औषधि महत्व, हम अधिक जानकारी इसके बारे में लेना चाहते है तो हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्य मिनल जी लैड मैम आई हुई है, तो मैडम से, मिनल मैम से इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। ये जो गुगुलू है ये आयुर्वेद की सभी दवाइयों का बेस है, बोलियों का बेस है। जैसे गम रेजिन है इसका, तो इसको हम पलंकश बोलते हैं। पलंकश यानी पलम कर्षति हिंसती थी, यानी वो मेदों का, मेद का लेखन करता है, पल में लेखन करता है, इसलिए ये पलंकश है। इसे कौशिक भी बोलते हैं। कौशिक क्यों? क्योंकि ये पेड़ होता है उसके स्टेम्स के सेल्स में ये तैयार होता है, ये जो गम रेजिन है, तो इसीलिए इसे कौशिक बोला है। इसे रेजिन डक्ट होते हैं, इसीलिए कौशिक बोला है। यानी उस वक्त भी उन्हें पता था कि कहाँ पे गम रेजिन बनता है और डक्ट्स क्या होते हैं। और उसके साथ उसे महिषाक्ष बोला है क्योंकि भैंसे की आंख जैसा काला रंग इसका होता है और वही सबसे जो अच्छा उज आउट होता है, जो रेजिन होता है, गम रेजिन होता है, वो भैंस के आंख जैसे होता है। इसकी जातियां होती है जैसे कनक है, भैंसा गुगुल है। मैम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ओबेसिटी में बहुत ज्यादा वो कैसे किया जाता है? क्योंकि इसके इसका यूज ही वात शामक करके है, वेदना स्थापक है ये, इसीलिए गुगुल का सभी कल्प में, जैसे वात या संधिवात के जो कल्प है उसमें सभी में गुगुल यूज होता है। जैसे कैशोर गुगुल हो, सिंहनाद गुगुल हो, योगराज गुगुल हो, इन सभी में गुगुल प्रचुर मात्रा में यूजफुल होता है। गुगुल जो है ये कम पानी वाले क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है और इसका प्रोपोगेशन हमें करना है तो इसको फल आ जाते है, फल से बीज निकाल के और बीजों को संस्कारित करके रोप बनाया जाता है। दूसरा तरीका जो है, ये तने जो है पेंसिल के आकार के तनों से भी इसका हम उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, रोप बना सकते हैं। और रोप बना के जहाँ ड्रायर पार्ट से इसको पानी बहुत ही कम लगता है और ऐसे कुछ क्षेत्र हमारे देश मेरे भारत वर्ष में है, क्योंकि ये जो पौधा है बहुत ही मांग वाला पौधा है और इसका संवर्धन कल्टिवेशन करना जरूर है। और जानकारी मिनल मैम से ले लेते हैं। इसका एक वैशिष्ट्य है, जब हम एक बरस का गुगुल यानी नया गुगुल बोलते हैं वो वृक्ष यानी एफ्रोडिजियक है, वाजिकर है, लेकिन एक बरस के बाद वो लेखन होता है, बराबर उसके उल्टी एक्शन उसके उसमें आ जाती है। अच्छा। तो वो लेखन गुगुल हमें तो स्टोरेज किया जाता स्टोरेज, है स्टोरेज, हाँ, जितना पुराना गुगुल उतना अच्छा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा वैद्यार जो है वो ऐसे रखते हैं, उसको लेके रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो गुगुल में गुगुलोस्टेरॉल पाया जाता है, ये नेचुरल स्टेरॉइड इसमें होता है। और हम जानते हैं कि आप लास्ट कुछ दशकों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफी बढ़ा है, तो आर्थराइटिस में इसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, तो आर्थराइटिस की जो बाकी की दवाइयाँ है जैसे वात शामक, संधि वेदना शामक जो दवाई होती है या बाकी के द्रव्य जो होते हैं जैसे रासना है, तो रासना और गुगुल के साथ रासनादि गुगुल बनता है। वृक्क का विकारों में गोक्षुर सबसे अच्छा माना जाता है, तो गोक्षुर के साथ गुगुल अगर यूज में आता है तो उसे गोक्षुर आदि गुगुल बोलते हैं, अश्वत्थ आदि गुगुल बोलते हैं। आमावात में उसका जो गुगुल आता है वो योगराज गुगुल भी बनाते हैं। योगराज गुगुल आता है, एक बहुत ही ऐसा पौधा है, दिव्य औषधि पौधा है। और ये जो पौधा है उसमें गुगुलोस्टेरॉल जो कंपाउंड पाया जाता है, औषधि गुणों से भरा हुआ ये जो पौधा है, उसका हमें स्वागत करना जरूरी है, कल्टीवेशन करना जरूरी है। आप जरूर गुगुल के बारे में जानिए, उसका कंजर्वेशन करें, कल्टीवेशन करें। और सभी को हम अनुरोध करना चाहते हैं, ये पौधा जो है थ्रेटन होने लगा है, उसका कंजर्वेशन करें।